यस भाई, नेक्स्ट टॉपिक है बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम बैंकिंग को प्रोड किया था भाई, उसमें रोड को ऊपर उठाया था कि मुड़ सकें भी कर लोगे। अब आपने देखा होगा रेसिंग करते हुए लोगों को, बाइक से या फिर साइकिल चलाते हुए देखा होगा। अब जो रेसिंग करते हैं अभी, उनके रोड फ्लैट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बाइक पे एक आदमी रेस कर रहा है, क्या वो मोड पे स्पीड कम करेगा भाई? और स्पीड कम करे तो पीछे रह जाएगा, उसको आगे निकलना है रेसिंग के लिए। यस सर ना, प्रॉब्लम क्या है? अब स्पीड कम नहीं कर सकता ज़्यादा स्पीड है, वो क्या करेगा? मुड़ना भी है उसको और स्पीड भी कम नहीं करनी है, तो क्या करे? अब उनके सड़क भी क्या होती है, फ्लैट होती है भाई, सब कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं, एक तो तरीका है भाई, रोड का ऊपर उठा दो या खुद नीचे झुक जाओ भाई थोड़ा सा। आपने बाइकर्स को देखा होगा, वो झुक जाते हैं साइड में, बिल्कुल स्पीड कम नहीं करते, वो क्या करते हैं झुक के एंगल चेंज कर लेते हैं अपना, कर लोगे उसको बोलते हैं बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट भी। साइकिल जब चलाता है तो साइड में झुक जाता है मुड़ने के लिए, उसकी स्पीड कम नहीं होती, उससे एंगल बन जाता है उसके साथ, जिस तरह जो एंगल बना था ना बैंकिंग रोड बना था एंगल्स, वही बन जाता है उसके लिए। कर लोगे या तो क्या करो, सड़क को ऊपर उठा दो या खुद झुक जाओ भाई, कर लोगे। दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हो, मुड़ सकते हो इजीली भी बिना स्पीड को चेंज किए हुए। स्पीड तो उसमें भी आएगी, एक लिमिट तो आएगी, ऐसे नहीं है कुछ भी कर लेंगे हम लोग, कर लोगे भाई, लेकिन रखेंगे मैक्सिमम तक वहाँ पे भी। तो साइकिलिस्ट अपनी साइकिल को बेंडिंग कैसे करता है भाई? एक तरीका ये था कि आप क्या करोगे, सड़क को उठा दोगे। एक तरीका ये भी है कि खुद मुड़ जाओ, थोड़ा सा झुक जाएं एक तरफ। ये फ्लैट सर्किट सड़क है भाई, मुड़ी नहीं हुई है, बैंकिंग नहीं किया गया इसके अंदर से, और साइकिल चलेगा ऐसे चलता हुआ। इन्होंने क्या किया, साइकिल को मोड़ दिया, साइकिल टायर पहले ऐसा होना चाहिए स्टेट में भी। इन्होंने क्या किया, साइकिल टायर को मोड़ दिया, ये साइकिल का टायर है अभी, ठीक है ऐसा कर लोगे। अरे ये इसका हैंडल है भाई, दिख रहा साइकिल सामने से भी, ठीक है यस सर ना। तो इसने क्या किया, इसने अपनी एक्चुअल पोजीशन से कुछ झुकाव कर दिया अभी, इसकी एक्चुअल पोजीशन थी तो कुछ झुकाव किया, कितने एंगल पे भाई, एट एंगल थीटा पे, कर लोगे। साइकिल का वेट कहाँ पे होगा, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ भी, हमेशा नीचे होगा होता भाई, इट इज एम जी, कर लोगे भाई। रिएक्शंस कहाँ पे होता है, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है भाई, इट इज रिएक्शंस आर भी। आप फोर्थ एंगल पे लगाते हो ना, रिएक्शन वहीं मिलेगा आपको, कर लोगे भाई। तो अगर आप रिजोल्व करते हो आर को इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स भी, ये एंगल कितना होगा, प्लस थीटा होगा, कैसे, एक लाइन ये, एक लाइन ये काट रही है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप आर को रिजोल्व करो कंपोनेंट में, यहाँ पे क्या आएगा, आर कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा आएगा, तो कौन सा फैक्टर मुड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, आर साइन थीटा, किसकी तरफ जा रहा है, सेंट्री तरफ जा रहा है अभी, तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, कर लोगे तो इस वजह से क्या होगा, साइकिल मुड़ जाएगा आपका, फ्रिक्शन भी टायर में बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा भाई, एम जी के, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू, इट इज एम वी स्क्वेयर बाई आर भाई, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, कर लोगे यस आर नो, डिवाइडिंग टू बाई वन, टू को वन से डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग टू बाई वन कितना आएगा, आर साइन थीटा डिवाइड बाई आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर डिवाइड बाई एम जी, सही लिखा है क्या सर ना, टू का वन से डिवाइड करो, आर से आर काट दो, साइन बाई कोस टेंजेंट, टेंजेंट आएगा ना, एम से एम काट दें, कितना आएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू भाई, इट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर जी,
आपको किस स्पीड से मुड़ना है, कितने एंगल उसके लिए होना चाहिए, ये मिल जाएगा यहाँ से भी। कर लोगे आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, इतना एंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल ही मुड़ जाओगे, गिर जाओगे यहाँ पर भाई, एक लिमिट होगी उसके लिए भी। मोस्टली देखा बाइक वाले उनके पैर नीचे लगते भी, इतने मुड़ते हैं लोग, क्योंकि उन्होंने स्पीड कम कर ली ना तो पीछे रह जाएंगे, रेसिंग चल रही है। कर लोगे तो दिस इज द बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, पूरा हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल सर्कल। हम लोग क्या करेंगे, एक के रस्सी से एक मास बांधेंगे भी, कोई भी मास हो सकता है ये मास एम, और इसको घुमाएंगे इन वर्टिकल सर्कल्स में ऐसे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा भी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, भी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है किसी भी पॉइंट के लिए। देखो जब घुमा रहे हैं इसको, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है ऐसे, ठीक है, और ये वाला क्या है, नीचे वाले इसके लोएस्ट पॉइंट। तो आपको हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटीज निकालनी है। आपको पता है कि सर्कल्स, सर्कुलर मोशंस में क्या होता है, वेलोसिटी हर जगह पे चेंज होती है डायरेक्शन के साथ में। कर लोगे तो ये धागे से बांधा हुआ है इसका मास्क, वेट कहाँ पे होगा एम जी नीचे की तरफ, टेंशन कहाँ पे होगा धागे में टी वी। इसको ऐसे घुमाया गया अभी, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद बॉडी यहाँ पहुँच गई एट पॉइंट ए, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, ए पॉइंट पे पहुँची बॉडी तो उसका वेट कहाँ पे होगा, अभी भी ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ पे एम जी, टेंशन कहाँ पे होगी धागे में टी ऐसे। ये एंगल कुछ हो सकता है, इट इज एन एंगल थीटा, तो ये लाइन्स जो ड्रा करेंगे यहाँ पे ये भी थीटा एंगल दिखाएगी अपने आपको, यस सर नो। अगर आप एम जी को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में, यहाँ पे कितना आएगा एम जी कोस थीटा, और इस तरफ कौन सा आएगा एम जी साइन थीटा वे। ठीक है, तो मैंने लिखवा था आपको, वी हैव ए बॉडी ऑफ मास एम अटैच विद ए स्ट्रिंग मूविंग इन द वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर। ओके, सही है कि नहीं है? तो एट पॉइंट ए हमने चेक किया था अभी, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे चेक किया था, देखिए टी बड़ा कि एम जी कोस थीटा बड़ा, भी टेंशन बड़ी भी, क्योंकि अगर एम जी कोस थीटा बड़ा होता तो टूट जाता दादा का। कर लोगे तो टेंशन बड़ी है किससे, एम जी कोस थीटा से। कितनी बड़ी है, टी माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल टू फोर्स, और फोर्स क्या होता है भाई, जो फोर्स को घुमा रहा है किसके अंदर, सर्कल के अंदर, कौन सा फोर्स है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, क्या आप यहाँ से टी निकाल सकते हो, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस प्लस हो गया एम जी कोस थीटा भी। ओके, ये पूरी इक्वेशंस मिनिमम कब हो सकती है अभी, क्योंकि सब कुछ फिक्स है वैल्यू के टर्म में, बच गया कौन सिर्फ एंगल भी, टी इज मिनिमम भी। टी मिनिमम कब होगा, टी इज मिनिमम व्हेन कॉस थीटा इज मिनिमम भी, और कितना होता है माइनस वन, तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री भी, यानी 180 डिग्री के ऊपर टेंशन क्या मिलेगी आपको, कम से कम मिलेगी भी, कहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे कितना हो चुका है एंगल 180 हो चुका है, यस सर नो, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना 180, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी यहाँ पे भी। वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं हम, टेंजेंट ड्रा करते हैं, इट इज वी एच वी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट वी एच। कर लोगे, अगर इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो टी मिनिमम कितना होगा, टी मिनिमम इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा, कितना हो गया माइनस वन। कर लोगे, दिस इज द टी मिनिमम भी, हाँ वेलोसिटी की एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी वी एच स्क्वेयर भी, वी एच स्क्वेयर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमको चेक करना है कि टी मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, टी जो है टेंशन कम से कम या तो जीरो हो सकता है या जीरो ज़्यादा होगा, जीरो से कम नहीं हो सकता अभी, जीरो से कम हो गया तो बॉडी वहीं पे आके गिर जाएगी। कर लोगे, मान लेते यहाँ पे टेंशन जीरो होगी इस पॉइंट पे आके, यहाँ पे आते टी कितनी होगी माइनस में चलेगी, तो कहाँ गिरेगी बॉडी, नीचे आके गिरेगी, घूमेगी नहीं,
बॉडी घूम सर्कल घूम रहा अभी है, तो यहाँ पे टी कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है, इस तरफ जाते ही कितना हुआ टी, नॉन जीरो हो जाएगा अभी, यस और नो। तो यानी ऐसा नहीं है कि जब आप घुमा रहे हो यहाँ से बल्टी यहाँ पे पानी आते रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, वो भागे जाने की कोशिश करेगा उस टाइम भी, तब जब टी जीरो होगा अभी या जीरो से ज़्यादा होगा, कम होते ही ऊपर आ गिरेगा, शक्ल पूरा नहीं कर पाएगा अभी, कर लोगे? तो टी मिनिमम कितना हो सकता है अभी, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो भी, इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, तो लिख सकता हूँ एम वी एच स्क्वेयर बाई आर माइनस एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, इस तरफ ले जाओ एम वी एच स्क्वेयर बाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी वी, एम से एम काट दें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एच वी, वी एच इज इक्वल टू अंडर द इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वी, किससे भाई, आर जी अंडर द रूट वी, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी, क्या लिख दो वी एच का वैल्यू कितना भाई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी, यानी आपकी वेलोसिटी कम से कम इतनी या इससे ज़्यादा होनी चाहिए तब आपकी क्या कर पाओगे, कंप्लीट शक्ल पूरा कर पाओगे भी, इससे कम होगी शक्ल पूरा नहीं हो पाएगा आपसे भी, कर लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भी? तो ये तो हो गया सिंपल भाई, अब हम इसको चेक करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म में भी सारे टॉपिक्स को भी, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पहुँचना, हमें नीचे भी जाना अभी, ठीक है, तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट क्या बोलता है कि हर पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी भी, टोटल एनर्जी में से क्या होगा, कांस्टेंट होगा भी, तो टोटल एनर्जी एट एच इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एल लोएस्ट पॉइंट पे, ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, अगर बॉडी पहुँच गई तो भी रुके तो नहीं गई, ये बॉडी चलेगी, यहाँ पे कितना होगा वी एल मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं वेलोसिटी यहाँ पे वी एल, ठीक है, तो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना होगा भाई, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी, तो काइनेटिक कितना होगा इसका भी, काइनेटिक होगा हाफ एम वी एच स्क्वेयर प्लस एम जी, कितना हाइट है भाई, टू आर भी, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है 2R, कर लोगे डायमीटर है ये, इज इक्वल टू हाफ एम वी एल स्क्वेयर, हाइट तो है ही नहीं, हाइट नहीं है तो एम जी एच की वैल्यू कितनी, जीरो, इस पॉइंट पे हाइट नहीं है अभी, इसी जगह पर हम लोग, कर लोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ भी, हाफ एम वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वेयर प्लस टू एम जी आर, कैसे लिखा है बता दो, अगर मैं वी एच की वैल्यू पुट करता हूँ भाई यहाँ पे भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एच वी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी देख लो काट देंगे इसमें क्या दिक्कत है, वी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट आर जी, देखिए अगर मैं वी एच की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे भी, वी एच की वैल्यू कितनी है, यह तो इसके बराबर है या इससे बड़ी है भी, ओके तो क्या आंसर होगा भाई, राइट क्वेश्चन ये था, देखिए हाफ एम वी एल स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ एम वी एच स्क्वेयर प्लस टू एम जी आर, यहाँ तो बिल्कुल सही है, यस और नो, अब क्या कर रहे हो, हैं अब देखिए यहाँ पे वी एच का वैल्यू कितना भाई, क्लास वी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसका है, अंडर रूट आर जी, बोलने में गलती हुई भी, क्या गलती हुई है, अगर मैं अंडर रूट आर जी की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे भी, वी एच की जगह पे अंडर रूट आर जी पुट करता हूँ, सुनो एक बार, लास्ट गर्ल्स भाई सुन रहा है, पूछूंगा फिर मैं, यहाँ पे पुट करता हूँ ये वैल्यू भी, ये बोला गया है ये जो वैल्यू है वी एच की, या तो इसके बराबर है या इससे बड़ी है भाई,
हमने पुट के क्या कर दी, 105 आरजी पुट कर दिया है, तो छोटी होगी इससे वीएच से भी। वीएच की वैल्यू क्या है, या तो इसके बराबर है या इससे बड़ी है भाई। हमने तो क्या कर दिया, छोटी वैल्यू पुट कर दी। ये जो वीएच की वैल्यू है, जो भी ए है, ये मान लेते हैं ये, तो ये बराबर है 6 के या 6 से बड़ी है भाई। हमने पुट, एक मिनट को, हमने पुट कर दी 6 यहाँ पे वैल्यू भी, 6 तो बराबर तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 पुट करी है, जबकि ए की वैल्यू क्या है, 6 से बड़ी है अभी। यस और नो? तो यहाँ भाई हमने छोटी वैल्यू पुट कर दी भाई, ये छोटी पुट कर दी तो ये चीज़ बड़ी होगी उसी टाइम पे। उल्टा कर दिया हम लोगों ने, बोलने में लैंग्वेज में उल्टा चला गया था बोलने में भी। दोबारा सुनिए क्या है, ए की वैल्यू या बी एच की वैल्यू या तो 6 होगी या 6 से बड़ी होगी। हमने पुट क्या कर दी, 6 पुट कर दी, बराबर तो होगी मान लेते हैं, लेकिन 6 तो क्या है, ए से छोटी है भाई। हमने पुट क्या करनी थी, वैल्यू पुट करनी थी बड़ी वाली भी। तो ये आंसर क्या हो गया, छोटा हो गया भी उसी टाइम भी। कर लोगे किससे, इस फैक्टर से भी। लिख लीजिए, यहाँ से शुरू करो, दो काट दो लाइन को कंप्लीट हो जो हमने करवाया था। ये बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे, दोबारा सुन में आप टूपी आपको भी। वी एच की वैल्यू क्या था, अंडर रूट आर जी बराबर है या वी एच की वैल्यू इससे बड़ी है भाई। हम पुट क्या कर रहे हैं, पुट अंडर रूट आर जी पुट कर रहे हैं। अंडर रूट आर जी तो क्या है, वी एच छोटी है भाई इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी एच इक्वल टू अंडर रूट आर जी, या वी एच लेस देन या ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी, दो चीज लिखी है मैंने इसमें। बराबर पुट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो गया आंसर भी। अगर मैंने ये पुट कर दी तो ये तो छोटी होगी इससे भाई, ये चीज छोटी हो गई है तो ये चीज बड़ी होगी उसी टाइम भाई इससे। यस और नो? तो लिख लीजिएगा अभी, इसमें पुट करो वैल्यूज वी एच के भी, क्या लिखोगे, 1/2 mvl² इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 1/2 m, वी एच की वैल्यू कितनी है स्क्वेयर में आर जी प्लस 2 mg rv। m से m काट दें, यस और नो? तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 vl² ग्रेटर देन इक्वल टू कितने भाई, 1/2 rg प्लस 2 rgv। ये कितना हो गया, 1/2 vl² इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके भाई, 5/2 rgv। 5/2 rg, 2 यहाँ पे ले जाऊँ, 2 से 2 कट गया, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ वी एल वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 rgv, अंडर रूट 5 rg। तो वी एल की वैल्यू कितनी आई भाई, वी एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके भाई, अंडर रूट 5 rg। समझ में आया, टी इज मैक्सिमम भी कब होगा भाई, जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा भाई। फर्स्ट इक्वेशन वही थी, उसी से यूज कर रहे हैं हम लोग, टी कॉस थीटा कितना होगा मैक्सिमम, कितना होता है 1 होता है तो, और कहाँ पे होता है, थीटा किस पे, 0 पे, यानी यहाँ पे टी कितना होगा मैक्सिमम होगा भी, घूम के यहाँ पे आ गया 0 पे आ गया वापस, ये कर लोगे इस पॉइंट पर टी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी भी, कितनी होगी चेक करते हैं भी। टी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2 m vl² लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी भी, यस और नो? प्लस क्या था, mg cos थीटा भी, cos थीटा कितना है 1, cos थीटा कितना है 1, तो क्या आएगा प्लस mg भी, यस और नो? प्लस ही था ना, माइनस था, चेक कर लो एक बार, प्लस था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा था क्या, यही था, टी इज मैक्सिमम भी ये था। अगर मैं वी एल की वैल्यू पुट करता हूँ भाई, वी एल क्या था, इज ग्रेटर देन इक्वल टू किससे भाई, अंडर रूट 5 rg। हाँ सॉरी भाई, इट इज कितना था, ये फॉर्मूला क्या था टी मैक्सिमम का, एम अब ठीक है, yes, ये फार्मूला था mv² / rg cos θ भी, yes, यही था ना, yes, तो वी एल का कितना आ गया, वी एल का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे, वी एल रख दी लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, कर लोगे, yes,
तो वीएल का वैल्यू कितना है भाई, वीएल इज इक्वल टू, इक्वल नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट फाइव आर जी, अंडर रूट फाइव आर जी सही है। पुट करें वैल्यू, अगर मैं वीएल की वैल्यू पुट करता हूँ ये भाई, ये तो इसके बराबर हो सकती है टी के, या टी इससे बड़ा हो सकता है क्योंकि ये अंडर रूट फाइव आर जी तो क्या इससे छोटी है वीएल से। यस आर नो? तो मेरा टी मैक्सिमम का आंसर कितना आएगा अभी, ग्रेटर देन इक्वल टू, यस आर नो? एम, व्हाट इज एम बाई आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एल स्क्वेयर, क्या लिखोगे, फाइव आर जी प्लस एम जी भाई, सही है कि नहीं है? तो यहां पे आर से आर काट दूं, तो फाइव एम जी प्लस एम जी, टी एम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स एम जी भाई। टी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हुई, या तो 6 एम जी के बराबर है, इससे बड़ी होगी भाई, यानी अगर रस्सी की कैपेसिटी नहीं है कि आपके वेट का 6 गुना उठा सके, तो यहाँ पे अगर टूट जाएगी रस्सी भी आपकी, समझ में आया? यहाँ पे टेंशन कितनी होती है रस्सी के अंदर, 6 गुना होती है आपके वेट से, या 6 से ज़्यादा होती है भाई, कम से कम कितनी, 6, आपका वेट का 6 गुना, इसमें क्या होता है, टेंशन होता है। तो रस्सी का टूट दिया गया है, मैं साइज पॉइंट बैग टूटती रस्सी भी आपकी भी कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर टेंशन क्या है, मैक्सिमम होते है। आपकी बॉडी चलती चलती यहाँ पहुँच गई भी, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, एनी पॉइंट बी, डायग्राम में चेंज करो, किसी पॉइंट पे पहुँच गई बी पॉइंट के ऊपर भी, तो निकालो भैया टेंशन कितना है, वेलोसिटी कितना निकालना आपको भी, ठीक है? देखो ये भी क्वेश्चन बन रहा है, इसमें कहीं से भी निकाल लेते हैं, देखो कहीं पे कुछ भी एंगल पे निकाल रहा हूँ मैं आंसर से, ठीक है? इस पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है टेंशन वेलोसिटी कितना, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो सिंपल है भाई, इस पे वेलोसिटी क्या होगी, वी बी मान लेते हैं, कितनी होगी, वी बी एट एनी पॉइंट बी, कर लोगे? अब एक तो तरीका ये है कि आप पूरा टॉपिक दोबारा करो, एक बेस्ट तरीका ये है कि कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं इन पॉइंटों के ऊपर, बराबर होनी चाहिए एनर्जी इनकी, इसकी एनर्जी बराबर है, इसकी रिस्क बराबर है, इसकी रिस्क बराबर है भाई, यस आर नो? एनर्जी का हर पॉइंट पे क्या एनर्जी की वैल्यू बराबर होगी, तो लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, क्या है भाई, इस पॉइंट के ऊपर चेक करोगे, इस पॉइंट पे बी पे भी, पहले क्या लिखोगे, पहले हाफ एम वी बी स्क्वेयर प्लस, क्या हाइट है भाई, इतना हाइट है भाई, इतना आर के बराबर, तो क्या लिखोगे, एम जी आर इज इक्वल टू, इस पर चेक करो भाई, लोअस्ट पॉइंट पे कर लेते हैं चेक, कितना आएगा, हाफ एम वी एल स्क्वेयर, क्या हाइट है, नहीं है, जीरो, व्हाट इज द हाफ एम वी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या ले सकता हूँ, हाफ एम वी एल स्क्वेयर माइनस एम जी आर, इस तरफ ले गया माइनस एम जी आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एल, वी निकाल लिया हम लोगों ने, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था भाई, फाइव आर जी, कर लोगे पुटिंग द वैल्यूज भी, अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये फैक्ट्री है तो इसके बराबर होगा, या इससे बड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे भी, यस सर नो? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पुटिंग द वैल्यूज भी, हम काट दें, हम काट देते हैं, कितना बचेगा, वन बाई टू वी बी स्क्वेयर भी, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे भाई, वन बाई टू वी एल स्क्वेयर फाइव आर जी माइनस जी आर, सही है कि नहीं है, कर लोगे, थ्री बाई टू, बता दो क्या आंसर आएगा, ये कितना आएगा, फाइव बाई टू है, फाइव बाई टू आर जी, ढाई में से एक गया, गेट बचा वन बाई टू वी बी स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई टू आर जी, तुम लोग बोल देते हो फिर बोलते नहीं हो, थ्री बाई टू बचा है कि नहीं बचा, अरे टू यहाँ पे ले जाओ, फाइव माइनस टू थ्री बाई टू, यस सर नो? तो
टू यहाँ पहले जाऊँ तो टू कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? वी बी का वी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके भाई? अंडर रूट थ्री आर जी, अंडर रूट थ्री आर जी। ओके, क्या इस पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हो? कितना एंगल बना रहा है अभी अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ भी? 90 डिग्री भी। तो कोस 90 कितना होता है? जीरो। कुछ भी है ना। तो ठीक, वैल्यू क्या टेंशन की क्लास? टेंशन की वैल्यू थी एम वी स्क्वेयर बाई आर प्लस एम जी कोस थीटा, यही था टेंशन एट बी पोजीशन भी। तो एम वी बी स्क्वेयर सही लिखा है, आर प्लस एम जी कोस 90 भी सही लिखते हो। कोस 90 क्या होता है? जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ये तो जीरो हो गया भाई। कर लोगे यहाँ पे वी बी की वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी बी, वी बी कितना भाई? तो टी बी की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू कितना भाई? एम बाई आर इंटू थ्री आर जी, काट दें आर से आर। तो टी बी की वैल्यू कितनी हुई? टेंशन एट बी पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एम जी, थ्री एम जी कहीं पर निकाल लो भाई।